हेलो फ्रेंड्स, कीर्ति किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। सबसे पहले 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है, उसके बाद में 4 बटर के टुकड़े डाल दिया है और उसके बाद में मुझे ये ओनियन डाल देना है। इसको लाइट ब्राउन कलर तक फ्राई करेंगे और साथ में ये टमाटर डाल देना है। मैंने 2 टमाटर लिया था और 2 ही ओनियन लिया था। अब मुझे इसको अच्छे से लाइट ब्राउन कलर तक फ्राई करना है। जब ये लाइट ब्राउन कलर तक फ्राई हो जाएगा तब मैंने ये सारे मसाले तैयार कर लिए हैं। 1 कप मैंने मटर ले लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक ले लिया है और 2 गाजर, 2 आलू, 10-12 कली लहसुन की और पत्ता गोभी। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं सारे मसाले इकट्ठे कर लेती हूँ। ये मेरा पाव भाजी मसाला है, 2 टेबल स्पून। अब इसके लिए मैं सारे मसाले निकाल लेती हूँ। काश्मीरी रेड मिर्ची 1 टेबल स्पून, रेड मिर्ची पाउडर 1.5 टेबल स्पून एंड हल्दी पाउडर और साथ में ये मसाले डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद में इन सभी को भी कुकर में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 1 ग्लास समथिंग। ताकि ये अच्छे तरीके से उबल जाए। अब मुझे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देना है। सॉल्ट डालने के बाद में कुकर में 2 से 3 सीटी तक वेट करेंगे। अब कुकर में 2-3 सीटी आ जाए उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मेरी भाजी बॉइल्ड हो गई है। आप मुझे इसको मैशर की हेल्प से इसको मैश करना है अच्छे तरीके। जब तक मैं कढ़ाई रख देती हूँ गैस पे और गैस ऑन कर देती हूँ, गैस ऑन करने के बाद में इन टुकड़े को कढ़ाई में डाल देना है। बटर का 1 टुकड़ा है, जब ये बटर गल जाए तो मुझे इसमें एक ये प्याज काटने के लिए मैंने काट के डाल दिया है कढ़ाई में।
मुझे कस्तूरी मेथी भी डाल देना है। और धनिये की पत्ती से अब मैं गार्निशिंग करूंगी। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भाजी को ऐसे रखे रहो। इसके बाद में भाजी को साइड करके ये देखिए मैंने कढ़ाई में बटर डाल दिया है और उसके बाद में मैंने पाव को काट लिया है और बीच से मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और उसके बाद में ये पाव मसाला मैंने डाल दिया, साथ में थोड़ी सी धनिया की पत्ती और पाव को मैंने ऐसे लगाया, इसको ऐसे कर दिया। अब मैं दूसरे पाव को भी ऐसे ही काट लेती हूँ। जब ये अच्छे से सिक जाए मुझे ये पाव हटा के इसमें दूसरे पाव को रखना है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, साथ में फिर से थोड़ा सा बटर डाल के और ये मसाले डालकर धनिया की पत्ती डालकर मुझे इन सभी को ये देखिए। अब ये मेरा पाव रेडी हो गया है। ये देखिए इधर मेरी भाजी तैयार हो गई है। फाइनली मेरा पाव भाजी रेडी हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।